नमस्कार मित्रों, एस जी के जी स्टडीज़ एंड एस जी के जी 2.22 यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं उस चिर परिचित गैजेट से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, जो 24 घंटे का संबंध हमसे बना बैठा है। उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जिसके बिना हमारा कोई काम हो ही नहीं पाता है, उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जो आज के डेट में लगभग सारे कार्य में हमारा फैसिलिटेटर हो गया है। जी हाँ, आप सचमुच समझे, हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं। मोबाइल आज के दिन में एक नितांत आवश्यक आवश्यकताओं में से परम आवश्यक चीज़ बन गया है। स्मार्टफोन होना चाहिए, हाई स्पीड डेटा होना चाहिए, फिर हमारा रूटीन काम जो है बहुत ही सुलभ हो जाता है और बड़ी सुचारू रूप से चलता है। इनमें से अगर कोई भी कम हुआ तो हमें कुछ अटपटा सा लगता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि मोबाइल जो हमें वरदान के जैसा नज़र आ रहा है, जो हमारे लिए आज के डेट में वरदान है, उस वरदान के पीछे कुछ अभिशाप भी हो सकते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज बनी हो जिसके सिर्फ और सिर्फ लाभ ही होते हैं, उसके नुकसान कुछ होते ही नहीं है? क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि 24 घंटे हमारे पॉकेट में रहने वाला मोबाइल हमें कितना नुकसान पहुंचा रहा है? सो मोबाइल फोन से होने वाले नुकसान, होने वाले खतरे, होने वाले रेडिएशन से हमें बच के रहना है। इस सेशन में हम मोबाइल रेडिएशन के दुष्प्रभाव के बारे में जानेंगे। हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जाने अनजाने में हम कई रोगों का को निमंत्रण पत्र भेज रहे हैं मोबाइल अपने पास रखे हुए। बेड पर मोबाइल रहता है, खाते समय पीते समय मोबाइल रहता है, पॉकेट में मोबाइल रहता है, कभी नीचे वाले पॉकेट में, कभी ऊपर वाले पॉकेट में। मोबाइल से दूरी बनाए रखना आज के डेट में बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो क्या उस मोबाइल का कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमारे शरीर पे नहीं पड़ता होगा? एक बार अगर ईसीजी होती है, एक बार अगर एक्सरे होता है, तो एक्सरे रूम से बाकी लोगों को हटा दिया जाता है। सीटी स्कैन और एमआरआई की तो बात ही छोड़ दीजिए, उस रूम में कोई रहता ही नहीं है, उस रूम में उसका ऑपरेटर भी नहीं रहता है, दूसरे रूम से ऑपरेट करता है। एक्सरे की मशीन जो ऑपरेटर होता है वो वुडन बॉक्स रख करके दूर से ऑपरेट करता है। तो जब ईसीजी मशीन, एक्सरे से, सीटी स्कैन, एमआरआई से एक बार होने से इतने खतरे का हमें भाप रहता है, इतने खतरे का हमें अंदेशा रहता है, तो उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम से चलने वाले मोबाइल से क्या हम पूरे इंसुलेटेड हैं? क्या हमें कोई समस्या हो ही नहीं सकती है? क्या हमारे ब्रेन पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता होगा? क्या हमारे न्यूरो सिस्टम को इम्यून कर दिया गया है? आइए इसका उत्तर ढूंढते हैं इस सेशन में। मोबाइल फोन आपकी सुविधा के लिए है, पर क्या आपने नोट किया है कि इन दिनों आप अपने दिन का अधिकांश समय मोबाइल फोन के साथ ही बिता रहे हैं? ये न केवल आपको उम्र से पहले बूढ़ा बना रहा है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते जा रहा है। तकनीक में बदलाव आने के साथ साथ हमारे लाइफ स्टाइल में भी बहुत बदलाव आया है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मोबाइल हमारी पहली ज़रूरत बन गई है। स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिताने के कारण ही हम उम्र से पहले ही कई बीमारियों के जंजाल में फंसते जा रहे हैं, जिसमें आंखें कमज़ोर होने से लेकर के कई मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर शामिल है। क्या आप जानते हैं
कि आपका मोबाइल चेहरे पर आने वाली झुर्रियों का कारण भी बन सकता है। इतना ही नहीं, आपके तनाव, एंजाइटी, मानसिक स्वास्थ्य को भी ये नुकसान पहुंचा रहा है। जी हाँ, समझिए क्या है मोबाइल और झुर्रियों का कनेक्शन। यूएस के ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी की जर्नल फ्रंटियर्स इन एजिंग में पब्लिश रिसर्च के अनुसार स्मार्टफोन से निकलने वाली ब्लू लाइट, जी हाँ, स्मार्टफोन से ब्लू लाइट निकलती है, सो उससे निकलने वाली ब्लू लाइट उस स्थिति को बढ़ा सकती है जिस पर किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है, जिसे न्यूरो डीजेनरेशन कहते हैं। रिसर्च के अनुसार यह पता चलता है कि स्मार्टफोन से निकलने वाली ब्लू रोशनी, नीली रोशनी, ब्लू लाइट के संपर्क में लंबे समय तक रहने से व्यक्ति की उम्र बढ़ने की गति भी बढ़ने लगती है। सो 40 की उम्र में ही 60 जैसे दिखने लगते हैं, 60 की उम्र में ही 100 जैसे दिखने लगते हैं। सो आइए हम जानते हैं कि ये जो मोबाइल फ़ोन है इसके क्या क्या संभावित नुकसान हैं जिनको हम फेस करते जा रहे हैं। एकाग्रता को नुकसान पहुंचाता है। हाँ जी, पहले के लोग योग करते थे, साधना करते थे, किस लिए? एकाग्रता के लिए। आज वही एकाग्रता जो है, हमारी जो मोबाइल है वो हमारी एकाग्रता को नुकसान पहुंचा रहा है। अत्यधिक मोबाइल की लत से हमारे फोकस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने पाया है कि यूएस में लगभग 27% होने वाले कार एक्सीडेंट में सेल फोन सबसे बड़ा कारण था। सेल फोन का प्रयोग करते हुए गाड़ी चलाना आपकी एकाग्रता को नुकसान पहुंचाता है। आप जहां पर ध्यान देना चाहिए वहां पर ध्यान नहीं दे पाते, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं आप। हर काम को करने के लिए कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती है, और ये मोबाइल है आपके हर काम में कंसंट्रेशन को नुकसान पहुंचा रहा है। नींद और मूड में बदलाव। अगर आप सेल फोन के आदि बन चुके हैं तो यह सीधा आपके मूड और नींद को प्रभावित कर सकता है। इसके कारण आपको मूड स्विंग होने लगेंगे और स्लीप पैटर्न में कमी आने लगेंगी। एक शोध के अनुसार स्मार्टफोन पर रिसर्च करके पाया गया है कि स्मार्टफोन हमारे मूड और नींद को भी प्रभावित कर सकता है, करता है। सबको पता है, जितने लोग व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक चला रहे हैं, पता नहीं उनके सोने का जगने का टाइम क्या है। थर्ड क्या है? बढ़ सकती है एंजाइटी की समस्या। एंजाइटी क्या होती है? जिसको हिंदी में घबराहट कहते हैं। कभी कभी अपने आप ही मन में घबराहट होने लगती है। तो सेल फोन ने दुनिया को एक जगह जरूर जोड़ा है, लेकिन ये तनाव और एंजाइटी का कारण भी बना रहा है। एंजाइटी पर हुई रिसर्च में सामने आया है कि ऐसी समस्या होने पर लोगों को हर टेक्स्ट, ईमेल, कॉल का रिस्पॉन्स करने की जल्दी होती है। होता है ना, अरे कॉल आ रहा है, अटेंड करो भाई। लेकिन काम से जुड़े मुद्दों में मोबाइल का प्रयोग करना तनाव के कारणों में शामिल नहीं है। जो भी काम से जुड़े जो चीज़ें हैं उनको तो मोबाइल में यूज कर सकते हैं ना, बाकी चीज़ों में यूज करेंगे तो वो एंग्जाइटी की समस्या बनती है। रिश्तों को प्रभावित करता है सेल फोन का ज़्यादा इस्तेमाल। सेल फोन की लत से सिर्फ हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि इससे हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी प्रभावित हो सकती है। एक्सपेरिमेंटल एंड क्लिनिकल साइंस की रिसर्च में साबित हुआ है कि सेल फोन की लत रिश्तों में लड़ाई के साथ काम पर ध्यान नहीं लगने का कारण हो सकती है। इसलिए ये हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करती है। मोबाइल फोन से निकलने वाले विकिरण आपकी सेहत को कई प्रकार से नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। इतना ही नहीं, आपको कई तरह की बीमारियों का शिकार भी बना सकते हैं। जानिए इसके अधिक प्रयोग से कौन कौन से नुकसान होते हैं।
सो मोबाइल फ़ोन का पहला जो नुकसान है वो ये है कि मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन से उत्पन्न खतरों में सबसे बड़ा खतरा है कैंसर। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को पूरा दिन अपनी जेब में या शरीर से चिपका करके रखते हैं तो संबंधित स्थान पर ट्यूमर होने की संभावना बढ़ जाती है और आप आसानी से कैंसर के शिकार हो सकते हैं। मोबाइल का दूसरा नुकसान, रात के समय मोबाइल फ़ोन को शरीर से सटाकर या सीने से रखकर सोने की आदत है तो यह आदत आपके लिए बेहद खतरनाक ही नहीं जानलेवा भी हो सकती है। इसके अलावा इसके रेडिएशन का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर भी नकारात्मक रूप से पड़ता है। सो कहने का मतलब क्या है कि जो ये हमारा सेलफोन है, जो हमारा ये मोबाइल है, ये कहीं ना कहीं से सिग्नल रिसीव करता है और सिग्नल सेंड करता है। तो वो जो सिग्नल रिसीव कर रहा है और सिग्नल सेंड कर रहा है उसी को रेडिएशन कहते हैं। तो सिग्नल रिसीव और सिग्नल सेंड करने का काम स्मार्टफोन में लगभग 24 घंटे चल रहे हैं। अगर बेसिक फ़ोन हो तो बेसिक फ़ोन में जब कॉल आता है और कॉल जाता है उस समय उसकी संभावना बढ़ जाती है। स्मार्टफोन में तो डेटा यूज हो रहा है, 24 आवर डेटा यूज हो रहा है। सो 24 आवर जब डेटा यूज कर रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, रेडिएशन 24 आवर ऑन है। सो इसलिए शरीर से सटा करके मोबाइल रखने से ये समस्या बढ़ रही है। दुनिया में कैंसर की जो संख्या बढ़ती जा रही है, कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ते जा रही है, उसमें मोबाइल फ़ोन का सबसे बड़ा योगदान है। ज़्यादातर पुरुषों में आदत होती है कि वे अपना मोबाइल फ़ोन बेल्ट के पास बने पॉकेट में रखते हैं। पूरा दिन मोबाइल फ़ोन को इस तरह से रखना आपके लिए बेहद हानिकारक है। मोबाइल फ़ोन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों का प्रभाव आपकी हड्डियों पर भी पड़ता है और उनमें मौजूद मिनरल लिक्विड समाप्त हो जाते हैं। तो अभी आपको समझ में आएगा कि मोबाइल फ़ोन यूज करने से किस तरीके से बैक पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, किस प्रकार के बॉडी में डिसऑर्डर हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं? क्योंकि मोबाइल के रेडिएशन से जो लिक्विड है, मोबाइल के रेडिएशन से मिनरल लिक्विड है, वो समाप्त हो जाता है और उसके समाप्त होने से बैक पेन, नेक पेन के साथ साथ पता नहीं कितने बोन डिजीज होते हैं। सो मोबाइल से हम बीमारियों को फ्री में खरीदते जा रहे हैं। उसके बाद पुरुषों में कमर के पास मोबाइल को रखना और भी खतरनाक हो सकता है। दरअसल मोबाइल के रेडिएशन का नकारात्मक प्रभाव शुक्राणुओं में कमी के रूप में भी देखा जा सकता है। जी हाँ, जो हमारी जननांग है, जननांग के आसपास अगर मोबाइल रखते हैं तो वो हमारे जननांगों को भी प्रभावित करते हैं। हमारे पार्ट, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनको भी वो निगेटिवली इम्पेक्ट करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक शोध के अनुसार मोबाइल फ़ोन का अत्यधिक इस्तेमाल मस्तिष्क के कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। हाँ जी, ब्रेन कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, कई प्रकार के आजकल ब्रेन हैमरेज के केसेज आ रहे हैं। इसके विकिरणों के प्रभाव के चलते ब्रेन में ट्यूमर भी हो जाता है। मोबाइल फोन से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों से आपका डीएनए तक क्षतिग्रस्त हो सकता है। जी हाँ, आप सोचिए कहाँ तक इसका प्रभाव है। जो डीएनए को चेंज कर सकता है वो किस चीज़ को छोड़ेगा? इसके अलावा इसका अधिक इस्तेमाल आपको मानसिक रोगी भी बना सकता है। ये तो आपको देख ही रहे हैं आजकल मोबाइल को यूज करने वाले जितने लोग हैं उनमें कितने प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं। फिजिकल डिसऑर्डर तो हो ही रहा है, मेंटल डिसऑर्डर भी बढ़ते जा रहा है। तनाव और डिप्रेशन के कारणों में एक प्रमुख कारण मोबाइल फ़ोन से निकलने वाले रेडिएशन के खतरनाक प्रभाव भी हैं। आज की दुनिया में
मेजोरिटी लोग जो हैं वो किसी न किसी प्रकार के तनाव और डिप्रेशन में है, कोई टेंशन में है, कोई डिप्रेशन में है। रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन टेंशन है, डिप्रेशन भी कहीं कहीं है। तो टेंशन और डिप्रेशन का एक मुख्य कारण जो है मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन के खतरनाक प्रभाव है। यह आपके दिमाग की कोशिकाओं को संकुचित करती है, जिससे ब्रेन में ऑक्सीजन की सही मात्रा पहुंच ही नहीं पाती है, और जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा उस टिश्यू को तो डेड होना ही पड़ेगा। मोबाइल फोन के हानिकारक विकिरण न केवल कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देते हैं, बल्कि यह डायबिटीज और हृदय लोगों की संभावनाओं को भी कई गुना बढ़ा देते हैं। लीजिए जी, सो डायबिटीज की जो संख्या बढ़ती जा रही है, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोग छुपे हुए हैं। कोई 2% होगा, कोई 4% होगा, कोई 6% होगा, बहुत प्रकार के रोग हम में दबे हुए हैं, और इसके शरीर के साथ ही वो छुपे हुए रोग चले भी जाते हैं। लेकिन कई बार कुछ कैटलिस्ट होते हैं, कुछ जो कैटलिस्ट होते हैं वो कैटलिस्ट क्या करते हैं, जो हमारी सुसुप्तावस्था में जो बीमारी है उसको वो उजागर कर देते हैं, उसको वो बढ़ा देते हैं। और मोबाइल फोन का जो विकिरण है, जो रेडिएशन है, उनमें से एक है। यह कैंसर जैसी बीमारी को सिर्फ जन्म ही नहीं देता, बल्कि डायबिटिक एवं हार्ट डिजीज की भी संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देता है। जिसकी प्रोबेबिलिटी 5% थी, उसको क्या किया, एक्टिवेट करके 50% पर कर देता है। तो इस तरीके से समस्याएं जो हैं अपने आप ही बढ़ जाती है। मोबाइल फोन का जरूरी और सीमित इस्तेमाल ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों के दुष्प्रभाव को कम कर सकता है। इसके अलावा इसे अपने शरीर से सटाकर न रखते हुए पर्स में या फिर अन्य स्थान पर रखना ज़्यादा सही होगा। आज की भाग दौड़ की जो जिंदगी है उसमें बिना मोबाइल का तो जैसे कल्पना करना ही मुश्किल है। मोबाइल रखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीमित इस्तेमाल करना है, लिमिटेड यूज करना है, और हो सके तो अपने से दूर रखना है। टेबल पर दूर रख दीजिए, घर में थोड़ा दूर रख दीजिए, जब कॉल आएगा तो अटेंड कर लेंगे। कम से कम एक एक घंटे, दो दो घंटे का उपवास रख लीजिए। मोबाइल का एक एक घंटे का तो उपवास रख सकते हैं, दो दो घंटे का उपवास रख सकते हैं। ऑड आवर, इवन आवर कर लीजिए। 8 बजे मोबाइल देखेंगे, फिर 10 बजे देखेंगे, फिर 12 बजे देखेंगे, फिर 2 बजे देखेंगे, ऐसे ऑड आवर, इवन आवर 10-10 मिनट के लिए कर लीजिए। कुछ ना कुछ तो कम होगा ना, इसके प्रभाव को कम करना है हमें, इसके यूज को भी हमें ध्यान में रखना है, और इसके दुष्परिणाम को भी हमें दूर करना है। गर्भवती महिलाओं द्वारा मोबाइल फोन का अधिक इस्तेमाल गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकता है। सो ये जितने भी कैरिंग लेडीज हैं, जो माताएं हैं, जो गर्भवती होती हैं, गर्भावस्था में मोबाइल को बहुत दूर रखना है। गर्भावस्था में मोबाइल से अति दूरी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये गर्भस्थ शिशु को भी प्रभावित कर सकता है, आपको तो प्रभावित करेगा ही। इससे शिशु के दिमाग पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, जिससे उसका विकास ही रुक सकता है। इसलिए कम से कम जो गर्भवती महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनको क्या करना है, मोबाइल का जो इस्तेमाल है कम से कम करना है, दूर रखना है, मोबाइल से दूर रहना है। कैसे खतरनाक होता है मोबाइल फोन? मोबाइल फोन में हानिकारक रेडिएशन होते हैं जो लगातार निकलते रहते हैं। इसका असर लोगों के दिमाग के लिए नुकसानदायक होता है, जैसे सिर दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा जिसको मसल पेन कहते हैं, कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती हैं। आइए जानते हैं फोन रेडिएशन से और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। मोबाइल फोन रेडिएशन इरेक्टाइल डिसफंक्शन से जुड़ा होता है। मोबाइल फोन से जो नीली रोशनी निकलती है, ब्लू लाइट निकलती है, जिससे नींद आने वाले हार्मोन को नुकसान पहुंचता है।
सो जो मोबाइल फ़ोन से जो रह रह करके जो ब्लू कलर की लाइट निकलती है, उससे जो हमारे बॉडी में जो हार्मोन है, स्लीप हार्मोन, नींद आने वाला हार्मोन, उसी को वो नुकसान पहुंचाता है। जब उसको नुकसान पहुंचाएगा तो हमारा स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगा, नींद नहीं आने की बीमारी हो जाएगी। कभी सोना चाहिए उस समय नींद ही नहीं आएगी, कभी नहीं सोना चाहिए उस समय नींद आएगी। सो इसको स्लीप डिसऑर्डर में कहते हैं। सो ये स्लीप डिसऑर्डर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ये। इसे मेलाटोनिक कहते हैं। ये बॉडी क्लॉक को बाधित करता है जिससे सोने में परेशानी होती है। हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, उस क्लॉक ने हिसाब बना लिया कि हमें कब जगना चाहिए कब नहीं जगना चाहिए। ये सेल जिस दिन हम जन्म लेते हैं तब से लेकर के मृत्यु के समय तक ये सेल चलता रहता है। इस सेल को ही ये नुकसान पहुंचा देता है मोबाइल फ़ोन का रेडिएशन, और हमारे बॉडी में कई प्रकार के बायोलॉजिकल चेंज होने लगते हैं। इसके दुष्परिणाम से हमें बचना ही होगा। सो करना क्या है, सोते समय मोबाइल फ़ोन को कुछ दूर रखना है। मोबाइल फ़ोन को अपने बिस्तर से कम 3 फीट की दूरी पर रख करके खतरनाक रेडिएशन से बचा जा सकता है। कम से कम 3 फीट दूर रखना है अपने मोबाइल को अपने से। रेडियो फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की ताकत मोबाइल फ़ोन से जुड़ी होती है। WHO का कहना है कि फ़ोन से निकलने वाली RF रेडिएशन से मस्तिष्क कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। सो अगर आप मोबाइल फ़ोन की लत से छुटकारा चाहते हैं तो रात के समय अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लीजिए। महाराज, कौन से आप डॉक्टर हैं कि रात में आपको कोई याद करेगा और आप किसी की जान बचा लेंगे? रात में 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे 6 बजे तक 7 आवर तो सोना है ना, तो 7 आवर सोना है तो रात के 10 बजे से 5 बजे तक या 11 बजे से 6 बजे तक 7 आवर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। साइलेंट में तो यहाँ पर है, स्विच ऑफ कर दीजिए। अलार्म के लिए घड़ी का इस्तेमाल कीजिए। आपको जगने के लिए अलार्म चाहिए? वो क्लॉक वॉच पहले आया करती थी 150-200 रुपये में, उस घड़ी का इस्तेमाल कर लीजिए। पढ़ने की ज़रूरत है, बुक ले लीजिए, बुक से पढ़ाई कीजिए, कोई मना नहीं करता पढ़ने के लिए। किताबें पढ़ने के लिए अच्छी आदत होती है, किताबें पढ़ेंगे तो समय पे नींद भी आती है। सो इसलिए हमें क्या करना है, मोबाइल से जो खतरनाक रेडिएशन निकलते हैं उससे अपने आप को बचाना है, और इसके लिए बिस्तर से कम 3 फीट की दूरी पर अपने फ़ोन को रखना है। आप इस फोटो में देखेंगे ये बालक सोए हुए हैं, इनके घर में ये लैपटॉप में वाईफाई चल रहा है, ये वाईफाई का ये मशीन है, ये वाईफाई इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चल रहा है, यहाँ पर मोबाइल रखा है, यहाँ पर मोबाइल रखा है। महाराज ये बालक जो हैं, जिनको आपको जो जान से भी प्यारे हैं, इन 24 घंटे रेडिएशन के प्रभाव में, दुष्प्रभाव में हैं ये। हम जब कान के पास रख कर के बात करते हैं तो उस समय हमारा न्यूरो सिस्टम ज़्यादा इससे इफेक्टेड होता है। सलाह ये दी जाती है कि ईयरफोन लगा लीजिए, ईयरफोन लगा करके मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए और बात कीजिए, सो दैट कम से कम मस्तिष्क के क्षेत्र में आपका मोबाइल न आए। मस्तिष्क के क्षेत्र में मोबाइल आएगा वो हमारे मस्तिष्क को ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए और कम मोबाइल की पर डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम कीजिए। शारीरिक स्वास्थ्य लाभ लीजिए और मानसिक स्वास्थ्य को भी संतुलित बनाए रखिए। इसी में आपकी और इसी में समाज की भलाई है। मोबाइल के दुष्परिणामों से आज अगर सतर्क नहीं हुए तो आने वाले समय में ये और भी हमारे लिए नुकसानदेह होता जाएगा, इसलिए इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों के लिए, जो इन्फेंट हैं, 5 साल से नीचे के बच्चों को मोबाइल नहीं देना है। नहीं देना है मीन्स नहीं देना है एट एनी कॉस्ट। जो भी कन्वेंशनल मेथड है उनको खेलने के लिए वो दीजिए। 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो न्यूरो सिस्टम होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, और अगर उनको हम मोबाइल दे रहे हैं तो उनका न्यूरो सिस्टम बचपन में ही बिगड़ जाएगा।
बड़े होकर के वो कई प्रकार के मानसिक समस्याओं का सामना करने लगेंगे। इसलिए 5 साल से नीचे के बच्चों को मोबाइल नॉट अलाउड, उनके आसपास तक नहीं रखना है, दूर रखिए मोबाइल को। आप भी स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए और आने वाली पीढ़ी को भी स्वस्थ रखिए। ऐसी हमें कुछ ना कुछ योजना बनानी पड़ेगी, ऐसी हमें अपने रूटीन को बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा चैनल एस जी के जी स्टडीज़ है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सब्सक्राइब भी किया, लाइक भी कर रहे हैं और कमेंट भी किया कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी किया कीजिए। ये एस जी के जी 2.22 दूसरा चैनल है, इस पे 1000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड है। जब भी आपको मौका मिले इसको भी देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। मोबाइल से दूरी बनाए रखनी है, मोबाइल को हम छोड़ नहीं सकते, मोबाइल हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, लेकिन कुछ देर के लिए ब्रेक तो दे सकते हैं। सो एक एक घंटे का ब्रेक दिया कीजिए और दूर रखिए, अपने से दूर रखिए। वो बजता है, सुनाई पड़ता है, उसमें कॉल आते हैं तो उसमें नंबर भी आ जाता है, पता भी चल जाता है कि पापा जी ने कॉल किया है कि मम्मी जी ने कॉल किया है, बाद में भी कॉल किया जा सकता है, कोई अर्जेंसी नहीं है। इसलिए धीरे धीरे हमें मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। कीप ऑन वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।